हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी इलेक्ट्रिशियन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि फ़ैन कैसे लगाया जाता है। ये हमारा ओमेन कंपनी का फ़ैन है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा ओमेन कंपनी का ब्राउन फ़ैन है। आज हम इसको लगाना आपको दिखाएंगे कि इस फ़ैन को कैसे फिट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और इसके फुल कनेक्शन आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी अनबॉक्सिंग अब कर लेते हैं। तो चलिए फ़ैन की अनबॉक्सिंग। तो आपको कुछ ओमेन कंपनी का फ़ैन ऐसे देखने को मिलता है। ये इसकी पैकिंग, और ये देखिए ये आपके फैन की रोड आ गई, आप देख सकते हैं। और ये आपका फैन आ गया। और ये आपका इसमें वारंटी कार्ड आ गया, आपका वारंटी कार्ड इसमें फैन की। और ये आपका फैन आ गया, आप देख सकते हैं इसे। इसकी एक्स्ट्रा इसमें मोटर, और ये देखिए ये इसके कनेक्शन, फैन के कनेक्शन इसमें। और इसके आज आपको कनेक्शन, फुली कनेक्शन, और इसे इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि फ़ैन के कनेक्शन और इसे कैसे किया जाता है। और अब इसके ब्लेड को ओपन करेंगे हम। ये देखिए अब इसके हम ब्लेड आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा ब्राउन रंग का फैन है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे इसके ब्लेड्स ब्राउन रंग के, तो आप देख सकते हैं। अब इसको हम इसमें फिट करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, जो मेन कंपनी का फ़ैन है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन कंपनी इलेक्ट्रिकल सीलिंग टाइप फ़ैन है ये हमारा। ये हमारा 30 वोल्ट सिंगल फेज वन फेज एसी क्लास वन इनपुट का है, जो कि 42 वाट का है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हम फैन के इसके नट खोलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे लगा के बताएंगे आपको। ये स्टार वाला पेचकश, और अच्छे से हमें इसमें नट टाइट कर लेने हैं। इसी तरीके से आपको इसमें सारे ब्लेड लगा देने हैं और नट को अच्छे से टाइट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से इसमें ब्लेड को फिट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से आपको नट को टाइट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसमें रोड, इसकी पंखे की रोड डाल देनी है। ये देखिए नट लगाएंगे। और इसे अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें तार डालेंगे। ये हमने इसमें फेज न्यूट्रल की तार डाल देनी है। इसमें नीचे एक होल होता है, उसमें से हमें इसमें ऊपर को तार डाल देनी है। तो ये हमने इसमें ऊपर को तार डाल दिए। तो ये देखिए, हमने अच्छे प्रकार से इसमें तार डाल देनी है, और जितनी हमें तार की ज़रूरत है उतनी हमें इसमें तार रखनी है, और बाकी तार को हमने अच्छे प्रकार से स्टिपर से कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी तार हमें चाहिए, तो हम इतनी तार रखेंगे और इसे हम अब कट कर देंगे। तो हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हमें इतनी ही तार की ज़रूरत है। और ये हमने इसे यहाँ से कट कर लिया, और इसकी दूसरी साइड से भी हम इसे कट कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। इसमें जो हमें पॉइंट मिलते हैं, इसमें सिर्फ आपको फेज और न्यूट्रल दो कनेक्शन करने पड़ते हैं, बाकी इसमें ऑलरेडी कनेक्शन किए हुए होते हैं। तो हमें इसके आउटपुट से हमें इसे फेज न्यूट्रल के कनेक्शन कर देने हैं। तो उसके बाद आपको इसकी कैप को इसमें डाल देना है। अब इसके बाद आपको इसमें तार को स्टिपर के माध्यम से छील लेना है। तार को अच्छी प्रकार से हम इसमें छील के
आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो हमने तार को अच्छे से क्रिम कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कनेक्शन करना आपको दिखाएंगे। इसमें आपको दो टर्मिनल देखने को मिलते हैं। इसके जॉटपुट से दो टर्मिनल है, उसमें आपको एक में फेज़ और एक में न्यूट्रल की तार को अच्छे से लगा देना है। तो इसमें हम फेज़ और एक न्यूट्रल की तार को अच्छे से इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें दो तार है, यहाँ पर फेज़, ये देखिए फेज़, एक फेज़ और एक न्यूट्रल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पंखे की मेन तार है। यहाँ से हमने इसे आउटपुट लेनी है, यहाँ से हमने इसमें जोड़ी और यहाँ से इसमें, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नीचे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तार हमने इसमें से निकाल देनी है। ये हमारा एक छेद इसमें, यहाँ पे इसमें से हमें ये दोनों तारें निकाल देनी है कनेक्शन के लिए। तो हम इसे निकाल देंगे अब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमने इसमें निकाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप पंखे का क्लोज लुक देख सकते हैं, किस प्रकार से आपको फ़ैन इसमें देखने को मिलता है। ये पंखे का आप क्लोज लुक देखिए। देखिए गाइस, आप इसके कनेक्शन हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम अब इसे टेप से रोल कर देंगे गाइस। और इस तरह से हमने इसके नट लगाए थे, स्क्रू लगाए थे गाइस। अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, इसे आगे से आगे शेयर करते जाएं। अब देखिए गाइस, हमने इसको पूरा कर दिया है। अब हम आपको इसको चला के भी दिखाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से काम है। हमने इसका टेप एक कर दिया है। हम इसको इस तरह से अंदर डाल लेंगे। ये देखिए गाइस, अब ये पूरा फैन लग चुका है। और हम आपको इसे चालू करके भी दिखाएंगे। देखिए देखिए गाइस, अब चल चुका है पंखा। अब हम इसकी 4 की स्पीड कर दो भाई। देखिए गाइस, कितना फास्ट घूम रहा है पंखा ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा फैन के कनेक्शन और आज ही वीडियो आपको मिलती रहेगी फैन से रिलेटेड। ये हमारा फैन के स्विच, इसे हमने बंद कर दिया। अब हम इसे साफ करके दिखाएंगे।